हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे बात हो सकती है? जी जी नाजिश बोले, आपकी बात हुई, कोई रابطہ हुआ रीत से? सर, यही बताने के लिए आपको कॉल कर रही हूँ। सर, मुझे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम मरीज वाकई घर पर थी या वो शहर से बाहर थी, जैसे उसकी अम्मी ने मुझे बताया। लेकिन उसके बाद जो मैंने सुना ना, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। क्या सुना है आपने? मुझसे प्लीज खुल के बात कीजिए, क्या क्या सुना है? उसकी अम्मी आप दोनों को लेकर इल्जाम तराशी पर उतर आई हैं। उनके मुताबिक आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिस बात को मुद्दा बनाकर उन्होंने अरीज को रोक लिया है। क्या कह रही हैं आप? अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अरीज की बहन से रابطہ करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, गेट पर ही रोक लिया। सौतेली माँ होने का ना पूरा फर्ज निभा रही हूँ। खैर, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं साहिबा से रابطہ करने की कोशिश कर लूँ, क्योंकि अब जो कुछ भी है ना वो साहिबा ही बता सकती है। प्लीज मुझे मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओह अफान, क्या हुआ बेटे? क्या हो गया मुझसे? मैं रही करने का हरगिज मकसद तो नहीं था। क्या हुआ? किसका फोन था? क्या किया है तुमने? मुझे मोहब्बत हो गई अरीज से। और क्या हुआ है? हाँ जानती हूँ मैं, यही बात बस मैंने मैसेज में लेके उसको भेज दी थी। वो मैसेज उसके घर वालों तक पहुंच गया। उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, और ये मुसीबत खड़ी करने वाला कोई और नहीं, मम्मी मैं ही हूँ। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, मैं जाऊंगी उनके घर, ठीक है? मैं जाके बात करूंगी पूरे हक के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, और फिर अगर उनमें से किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो मैं रिश्ता मांग लूंगी तुम्हारा। खुश? मम्मी मुझे बात करनी है उसे। हो जाएगी, यकीन रखो बेटे, अपनी माँ पे ऐसे ऐसे दिल छोटा नहीं करते। क्या हो गया बैठे बैठे कि क्या हो गया मुझसे? इतना परेशान होने की बात नहीं है, मैं कह रही हूं ना, मैं जाऊंगी उनके घर, बस ना, बस सब ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो फिक्स ना किया जा सके। ओके, मैं कर लूंगी सब ठीक, फिक्र ना करो, रिलैक्स ना, परेशान नहीं होना।